हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। कटहल ली है आधा किलो, जो हमने बारीक काट ली है। स्टैक की कटहल काट लीजिए। देखिए देखिए, प्याज दो जो हमने बारीक काट ली है, 2 चम्मच लहसुन प्याज का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच किसी भी लाल मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कटहल बनाना। कढ़ाई ली है, उसमें जो है हमें 2 चमचे के करीब तेल गरम कर लिया है और हमारा तेल गरम हो गया है। उसमें हम जो है कटहल को फ्राई करेंगे। और हमने जो है गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखा है। करीब 10 मिनट के लिए जो हमने कटहल को फ्राई कर लिया है तेल में, और हम जो है कटहल को बाहर निकाल लेंगे। गोल्डन होने तक भूनेंगे। चम्मच एक चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक को अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। लहसुन प्याज का पेस्ट 2 चम्मच,
मसाले को जो हमने 5 मिनट के लिए जो है गोल्डन फ्राई कर लिया है, ये देखिए। दो चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच हल्दी। मसालों को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आधा कटोरी करीब हमने पानी ऐड कर दिया है मसाले में। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। करीब 10 मिनट तक भूनने देंगे। 10 मिनट तक हमने मसाले को भून लिया है, उसे कटहल डाल देंगे। कटहल को जब मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको जो है कवर कर देंगे। करीब 10 मिनट तक हम इसको जो है पकाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट बाद जो है हमारी कटहल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कटहल की सब्जी को सर्व कर लिया है, ये देखिए हमारी सब्जी बनने के बाद कितनी टेस्टी लग रही है। ये देखिए, अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।